चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है ना। तो बेलमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है, इसको लिख लो। ठीक है, मूवेबल मूवेबल थिंग्स बिना ओनरशिप दिए हुए किसी और को डिलीवर करना। मूवेबल थिंग्स, मूवेबल चीजें बिना ओनरशिप दिए हुए किसी और को डिलीवर करना, बेसिकली बेलमेंट क्या है। मैंने अपनी गाड़ी तुमको दी, जो गाड़ी है मेरी ही, और मैं तुमको बेच नहीं रहा हूं, नहीं तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर हो जाता। आ रहा है समझ में? तो मैं शायद तुमको किराए से दे रहा हूंगा, और या तो फिर मतलब या तो तुमको गाड़ी चाहिए थी किराए से, एक तरीके से तो मैं दे रहा हूं, ये कवर्ड है बेलमेंट में, क्लियर है। दूसरा दूसरा क्या कवर्ड है बेलमेंट में, ठीक है, कि मैं कहीं, अबे कुछ भी, ठीक है, कि मैं कहीं बाहर जा रहा था तो मैं चाह रहा था कि मैं अपनी गाड़ी तुम्हारे पास रख करके चला जाऊं। बहुत ध्यान समझना, यानी बेलमेंट में ये जो दो चीजें मैंने बताई तुमको, दोनों में हो ये रहा है कि मैं अपने गुड्स तुम्हारे पास रखवा के जा रहा हूं। अरे सुन, अंतर क्या है दोनों बेलमेंट, बेलमेंट दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें अंतर सिर्फ ये है कि एक में बेलर का फायदा है और एक में बेली। बेलर बेली कौन? बेलर वो जो गुड्स दे रहा है, और बेली वो जिसके पास गुड्स रखवाए जा रहे हैं। ठीक है, चल, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेल। देखो जरा क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। बहुत ध्यान से, ट्रांसफर वर्ड उसने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ट्रांसफर में ओनर ओनरशिप बोल रहा है या क्या बोल रहा है। गुड्स तो मूव हो रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, और मूव हो रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इसमें क्या कवर नहीं हो रहा है, इमूवेबल जो चीजें हैं वो कवर नहीं हो रही। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग दे। हेलो, पॉइंट समझ आ रहा है क्या बात चल रही है? ठीक है ना, बेलमेंट मतलब गुड्स डिलीवर करना एक व्यक्ति दूसरे को फॉर सम पर्पज, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग ये है, कॉन्ट्रैक्ट ये है कि तुम मुझे वापस कर देना ये चीज़ें, या तो फिर हो सकता है कि उसकी अंतिम सांसें बची हों तो उसको यूज़ करना और फेंक देना। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है ना, मैं अपने दोस्त को पेन दे रहा हूँ यूज़ करने के लिए, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, बेच नहीं दे रहा हूँ, क्लियर है, थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने दे रहा हूँ। अब या तो उसका बचा ही थोड़ा टाइम है तो उन्होंने उसको करना और फिर फेंक देना, ये भी बेलमेंट है, या पूरा पेन बाकी है तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है एग्जाम कर लेना फिर ला करके वापस दे देना, ये क्या है बेलमेंट। आ रहा है क्या समझ? ठीक है चलो, तो खास बातें, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की खास बातें, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर जगहों पर यही है।
ये एक्सप्रेस हो सकता है या इंक्लाइंड। क्लियर है? ठीक है ना। यहां पर मुद्दा है कि गुड्स होने चाहिए, और गुड्स की डेफिनेशन फिर अपन कहां से ले लेंगे? समझ रहे हो? आ रहा है समझ में? वैसे भी वो पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। वैसे अलग अलग एक्ट है, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब गुड्स बोल रहा है या सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब गुड्स बोल रहा है तो अलग अलग बातें हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी अपन गुड्स को सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि वो सेम एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए फिर? तीसरा, गुड्स डिलीवर होने चाहिए। गुड्स मेरे ही पास है, कोई और यूज करके चला जाए तो फिर वो बेलमेंट नहीं। मैं घर के राय से दे रहा हूँ, वो बेलमेंट क्यों? मूवेबल नहीं। क्लियर है? पर्पस होना चाहिए, गुड्स मस्ट बी डिलीवर फॉर सम पर्पस। पर्पस एक्सप्रेस इम्प्लाइड कुछ भी हो सकता है, और या तो गुड्स वापस आएंगे या तो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, मतलब मोस्टली वापस ही आएंगे। क्लियर है? द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी कंडीशनल, कि क्या करना है, या तो वापस कर देना या तो मैं जहाँ जैसा बोल रहा हूँ वैसा वहाँ पहुँचा देना। डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द बेलर व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड। क्लियर है क्या? ठीक है, रीड कर लो उसको, क्वेश्चन रीड करो। देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ बेलमेंट। तो क्या बोल रहा है? वी ने पार्क करी पार्किंग लॉट में गाड़ी, लॉक करी और कीज अपने पास रखी, बताओ है क्या? क्या प्रॉब्लम है? है ना, ठीक है ना। तो मैं यूज करने को ही थोड़ी दे रहा हूँ, या कुछ ऐसा नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है। सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज, आंसर रीड करते हैं, ठीक है ना। तो इट रिजल्ट्स इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सिंस ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आर सैटिस्फाइड इन सच अ केस। ये कस्टम पता है क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हो, उसको उसका डाउट है, ठीक है। कस्टम जो है वो क्या होता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो टैक्सेस लगाए जो जाते हैं, तो इंडिया के बाहर से जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके जो टैक्सेस हैं उनको क्या बोलते हैं? कस्टम। ड्यूटी वर्ड यूज होता है उसके लिए जनरली। ड्यूटी वर्ड इज ऑल्सो टैक्स। कस्टम ड्यूटी इज बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स। गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो तो टैक्स देना पड़ता है, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो देना पड़ता है टैक्स। क्लियर है ये? ठीक है ना। तो वो आपने नहीं दिए, आपने टैक्स पे नहीं किया, तो कस्टम वाले आपके गुड्स ले गए। अरे सुन, तो वो जो गुड्स जब्त किए, सीजर यानी कि जब्त कर लेना, तो वो बेलमेंट कहला रहा है क्या? तो हाँ, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये नहीं बोल रहा वॉलेंटरी या इस तरीके से, बट ट्रांसफर ऑफ गुड्स है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो वो कवर हो जा रहा है। क्लियर है? अब पहचाना पहचाना सा एक टॉपिक, मोड्स ऑफ डिलीवरी, समझ में आ रहा है? एक्चुअल डिलीवरी यानी दे आना प्रॉपर गुड्स। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। मतलब मेरे पास कुत्ता है और मैं वो किसी और को दे रहा हूँ, तो टॉमी जा, तो टॉमी भग के चला गया, तो मतलब वो एक्चुअल डिलीवरी गुड्स है। सिम्बॉलिक डिलीवरी है, मतलब वो कुत्ता बंधा है कहीं और वहाँ की चाबी दे दी, चाबी। आ रहा है समझ में? ठीक है, लॉक ऑफ में, तो वो सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स नॉट एक्चुअली ट्रांसफर्ड, अ पर्सन डज सम एक्ट रिजल्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ पोजेशन टू सम अदर पर्सन, है ना। अपन ने इसको कैसे सीखा था, जैसे लो दिया ही हुआ इसमें एग्जाम्पल, डिलीवरी ऑफ कीज ऑफ कार टू अ फ्रेंड, डिलीवरी ऑफ रेलवे रिसीट। एक और अपन ने क्या देखा था? गोडाउन की चाबी, बहुत बढ़िया, यही मेरे दिमाग में था, एग्जैक्टली यही था। ठीक है, क्लियर है। और फिर एक है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, है ना, थर्ड पार्टी एक्नॉलेज कर ले मैंने कुछ डिलीवर नहीं किया फिर भी क्या हुआ,
ठीक है ना, मतलब थर्ड पार्टी के पास रखे हुए थे गुड्स, तो पहले वो मेरे बिहाफ में होल्ड कर रहा था, अब वो किसी और के बिहाफ में होल्ड कर रहा है, आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कोई दिक्कत है क्या? इट मीन्स डूइंग एन एक्ट, एनी एक्ट विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन हु अग्रीज टू होल्ड देम एज अ बेली फॉर सम अदर पर्सन, ऑल्दो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स डज नॉट एक्चुअली टेक्स प्लेस। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये? चलो अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें प्लेज वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए अपन उसको बाद में पढ़ेंगे। प्लेज वाले कॉन्ट्रैक्ट आ गया, प्लेज यानी गिरवी रखना। जब आप मूवेबल गुड्स गिरवी रखते हो तो भी क्या होता है? सवाल का फॉर्मेट से आंसर है इसमें कि तो भी क्या होता है, बेलमेंट। आ रहा है सुन, ठीक है ना? अगर प्लेज इसका आंसर होता तो मैं पूछते ही गए, ठीक है? चलो अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। अच्छा बहुत ध्यान से, बेलमेंट भी ऐसा है जिसमें एक पर्टिकुलर केस में, कंसिडरेशन के एक्सेप्शन में पढ़ा था हमने, ग्रैचियस बेलमेंट जो मैंने बोला था आएगा एक दिन तुम्हारे सामने, आज वो दिन आ गया है। आ रहा है, ठीक है ना? तो पॉइंट क्या है? हाँ ठीक है ना, नहीं मंदिर वाला चैरिटी के लिए दिया था, वो अलग था, वो तो था ही ऑफिशियली, ठीक है ना? इसमें क्या है, दोस्त वाला जैसे समझो। हाँ ठीक है, देखो मैं अपनी गाड़ी किराए से दूं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मैं गाड़ी दे रहा हूँ, सामने वाला मुझे पैसे देगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मैं बाहर जा रहा हूँ तो अपनी गाड़ी रखवा करके जा रहा हूँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ बेलमेंट है, मेरा पर्पस है, बस अब ये होगा कि पैसे मैं दूंगा, पैसे मुझे मिलेंगे नहीं, पैसे मैं दूंगा। ये दोनों ही नॉन ग्रैचुशियस है, ये दोनों ही क्या है, नॉन ग्रैचुशियस। तो फिर ग्रैचुशियस क्या है? ग्रैचुशियस ये है कि मेरा दोस्त आया मेरे पास कि भाई मेरी शादी है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो मेरे को गाड़ी चाहिए पड़ेगी, समझ में आ रहा है? एक दो तो मैंने किराए से ले लिए, एक आध मुफ्त की मिल जाती तो मज़ा आ जाता। आ रहा है सुन, मैंने कहा भाई तेरे लिए कोई बात है पगले। आ रहा है सुन, क्लियर है? तो मैंने उसको गाड़ी दे दी। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि इसको डोमेस्टिक सोशल में कवर कर लोगे? नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये कौन सा वाला है? ग्रैचुशियस, जिसमें मुझे बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन कानून में इसका रिकॉग्निशन सोशल डोमेस्टिक की तरह नहीं है, इसका रिकॉग्निशन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह, भले ही इसमें सिंगल साइडेड क्या है। समझे या नहीं समझे? समझ गए, क्लियर है? तो अब आप ग्रैचुशियस बेलमेंट के बारे में अंदाजा लगाओ कि ग्रैचुशियस बेलमेंट क्या है। ग्रैचुशियस बेलमेंट में बेलमेंट है, गुड्स दे रहा हूं, किसी का पर्पस जरूर पूरा हो रहा है, लेकिन उसके बदले में जो नॉर्मली पैसे का लेन देन होता है वो नहीं हो रहा। आ रहा है समझ में? यानी एक साइड फ्री चल रही है वहां पर, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कायदे से तो ये कंसिडरेशन चैप्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, दूसरा डोमेस्टिक सोशल में भी कवर हो रहा है, लेकिन सिंस कानून में स्पेसिफिकली इसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज किया हुआ है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी इम्प्लीकेशन इमेजिन करो, ये बात दी हुई है इसमें, इसकी इम्प्लीकेशन बहुत खतरनाक है। वैसे आगे है ये बात, लेकिन इस बात को सिंस हम इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, कानून ने अगर उसको वैलिड बोल दिया, अब मान लो कि मैंने अपने दोस्त को गाड़ी दी, समझ में आ रहा है? तो अगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो टर्म्स उसमें डिफाइंड होंगे, मैं उससे पैसे ले रहा हूँ क्या? नहीं, लेकिन उसको कितने दिन के लिए दे रहा हूँ गाड़ी? 5 दिन के लिए, ये डिफाइंड है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? मैं उसको गाड़ी पैसे में दे रहा हूँ कि फ्री में दे रहा हूँ? आ रहा है समझ में? 3 दिन बाद मेरे को ज़रूरत पड़ गई, बहुत ध्यान समझ लो, हाँ नॉर्मली ऐसे होता है। तो नॉन ग्रैचुशियस में तो आप नहीं ले पाओगे,
लेकिन सिंस ये फ्री में था, ग्राचुशस में बोल रहे हैं हम, आप तोड़ तो पाओगे कॉन्ट्रैक्ट लेकिन डैमेजेस भरने पड़ेंगे। बहुत ध्यान से अंतर है इन दोनों बातों में, कि आप तोड़ पाओगे लेकिन डैमेजेस देने पड़ सकते हैं अगर कुछ लॉस हुआ तो, नहीं तोड़ पाओगे और तोड़ रहे हो मतलब नॉन ग्रेचुशियस में अगर तोड़ोगे तो भी डैमेजेस लगेंगे, लेकिन वो उसमें प्रोविजंस दूसरे अट्रैक्ट होंगे। इसके ऑफिशियल उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेचुशियस को आप तोड़ सकते हो समय से पहले, लेकिन फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर मैंने अपनी गाड़ी फ्री में दी 5 दिन के लिए और 3 दिन में मैं तोड़ा तो मुझे पैसे देने पड़ सकते हैं उसको, क्योंकि वो मेरे भरोसे में रह गया ना। फिर तो हो सकता है कि उसको अर्जेंट में कुछ करना पड़ा तो ज़्यादा नुकसान हो जाए उसको, मेरे को उसको पहले ही वादा नहीं करना था। यहाँ पर क्योंकि दिमाग में इमोशनली क्या आ सकता है कि एक तो फ्री में गाड़ी दी, ऊपर से पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि भैया नहीं देते ना तुम गाड़ी, तुमने उसको भरोसा दे दिया, अब क्या हो रहा है कि तुमने फंसा लिया तो उसने की नहीं, अब उसके पास जो ऑप्शन था और तरीके से गाड़ी करने का वो भी खत्म कर दिया तुमने, अब तुम बीच में मंग रहे हो तो उसको नुकसान हो सकता है ना, वो नुकसान तुमको भरना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ? चैरिटी करो तो फिर पूरी तरीके से करो। नहीं आया समझ? एक बार और, ग्रेचुशियस नॉन ग्रेचुशियस का फर्क समझे। ये समझ लो कि ग्रेचुशियस भी अगर बीच में तोड़ा तो जिसने तोड़ा उसको डैमेजेस भरने पड़ सकते हैं। नॉन ग्रेचुशियस के लिए ये बोला गया कि उसको तोड़ नहीं सकते, तो उसको तोड़ा तो रेसेशन आएगा फिर उसमें, क्या हमने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिया। ग्रेचुशियस में लिखा हुआ है कानून में कि नहीं आप तोड़ सकते हो बस, लेकिन डैमेजेस भर देना। समझ गए? तो कॉम्प्लिकेटेड होता है कई बार लीगल कंटेंट जो है, समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा सेम क्वेश्चन हो सकता है, सेम आंसर नॉन ग्रेचुशियस के लिए हो लेकिन वो उसकी रूट डिफरेंट। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ वो एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। चलो, ग्रेचुशियस बेलमेंट, बेलमेंट विदाउट एनी चार्जेस और रिवॉर्ड, नो हायर चार्जेस पेड बाय द बेली एंड नो कस्टडी चार्जेस आर पेड बाय द बेलर। सोच लो इसको, दो टाइप के हो सकते हैं बेलमेंट, एक बेलर के फायदे के, एक बेली के फायदे, दोनों के बारे में बात कर रहा है। जिसमें मेरी ज़रूरत है मैं सामने वाले के पास गुड्स रखवा के जा रहा हूँ, एक सामने वाले की ज़रूरत है तो मैं सामने वाले को गुड्स दे रहा हूँ। हो दोनों में यही रहा है कि मैं गुड्स दे रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं गुड्स दे रहा हूँ तो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, एक बार मैं गुड्स दे रहा हूँ तो मैं ही पैसे भी दे रहा हूँ। समझ आ रहा है? ज़रूरत किसकी है उस पर निर्भर करता है कि पैसे कौन दे रहा है। गुड्स का मूवमेंट ए से बी की तरफ ही हो रहा है, फिर अपन ये नहीं कर रहे कि ए से बी और फिर बी से, नहीं, ए से बी की तरफ हो रहे हैं गुड्स के मूवमेंट। पैसे हो सकता है ए दे, हो सकता है बी दे, डिपेंड करता है नीड किसकी है। ए को रखवा के कहीं जाना था तो ए पैसे देगा गुड्स के साथ भी, और बी की नीड थी गुड्स की तो क्या होगा, बी पैसे। बोल, कोई डाउट? अरे 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 अरे, बोल तो रहा है पहली लाइन में। वो तो भैया मैं दो टाइप के वो बता रहा था, ग्रेचुशियस नहीं समझा रहा था, बेलमेंट समझा रहा था वो। ग्रेचुशियस में पैसे का लेन देन नहीं होगा, जरूरत किसी की भी हो। तुम किसी को हेल्प करने के लिए कुछ भी कर रहे हो तो वो डोमेस्टिक सोशल में आ सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में भी फंस सकता है, ऐसे केसेस हुए। समझ आ रहा है? मतलब एक तो ऐसा केस है जिसमें कि लिखा है कि किसी को डूबते से बचाए तो उसमें पैसे का लेन देन है, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया, डूबने से बचाया एक को, ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन है, पास्ट में आ चुका है, उसको भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कायदे में वो उसमें रखा हुआ है कि उसने बात कर ली होगी या जो भी, उसके डिटेल्स फैक्ट नहीं है, डिटेल्ड फैक्ट्स नहीं है उसके, समझ में रहा है? लेकिन वो है, मतलब ऐसा एक केस। तो डोमेस्टिक सोशल को तो कभी भी आप वो बना ही सकते हो ना लीगल, समझ में आ रहा है?
प्रूफ करने पर हो जाती है चीज़ें, समझ में आ रहा है? नॉर्मली करते हैं लोग चीज़ें, क्लियर है? अब ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि आप कानून में उसको पर्सपेक्टिव से उसको कानून में फॉल करवा सकते हो या नहीं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, अरे सुन, ठीक है ना? जैसे टैक्स में होता है, जैसे टैक्स में एक एक रैंडम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ तुम्हारे सामने कि रिटर्न फाइल करने के ना डेट्स डिफरेंट रहती हैं, और वो कई बार बिजनेस स्पेसिफिक भी थी पहले, अभी मुझे देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? जैसे पहले था कि भाई आपका ये वाला बिजनेस है तो आपकी रिटर्न अक्टूबर में जाएगी, और ये वाला बिजनेस है तो सितंबर में जाएगी, समझ में आ रहा है? तो वो उन्होंने एक जेन्युइन उसके कंसर्न के कारण बढ़ाया। अब जो बंदा लेट हो गया, समझ में आ रहा है, वो अपने बिजनेस में मान लो कि अपनी दुकान में उसने बेकरी आइटम भी रख लिया, क्योंकि बेकरी की डेट क्या है 31 अक्टूबर, तो उसको एक महीने का एक्सटेंशन मिल गया ना। तो प्रैक्टिकली चीज़ें अलग चलती हैं थोड़ी सी, समझ में आ रहा है? थियोरेटिकली अलग चलती हैं। नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ, छोड़ना उसका, ठीक है ना? तेरे को ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही समझाने के लिए मैं वहाँ तक पहुँचा था, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? क्लियर है? तो बेलमेंट ऑफ सम फॉर सम चार्जेस और रिवॉर्ड दैट इज हायर चार्जेस आर पेड बाय द बेली और कस्टडी चार्जेस आर पेड बाय द बेली। तो जहाँ पेमेंट है वहाँ पर क्या है? बेलमेंट, मतलब नॉन ग्रेचुशियस बेलमेंट। क्लियर है? देखो, ग्रेचुशियस बेलमेंट या तो एक्सक्लूसिवली किसका बेनिफिट होगा? बेलर का, या तो एक्सक्लूसिवली किसका बेनिफिट होगा? बेली का। एक नॉन ग्रेचुशियस बेलमेंट कौन सी है? जिसमें दोनों का बेनिफिट है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बताओ। तो रीड करो यहाँ तक का एक बार। क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाला वो क्वेश्चन बीच का जो था वो प्लेज का था, है ना? प्लेज वैसे मैंने बता दिया, लेकिन अलग से टॉपिक दिए वो।